दोस्तों आज हमारे पास एक उषा का कुकटॉप जो कि हम रिपेयर करके बताने वाले हैं। इसमें प्रॉब्लम ये दोस्तों कि ये शॉर्ट हो चुका है पूरी तरह से, और कहां से शॉर्ट है वो फॉल्ट हम ढूंढने वाले हैं। ये ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन के साथ हमें मिलता है मार्केट में दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आपको मैं इसे सप्लाई दे के दिखाना चाहूँगा कि देखिए फुली शॉर्ट है। और दोस्तों जैसे हम इसको सप्लाई में लगाते हैं तो हमारा जो MCB है वो डाउन हो जाता है, हमेशा ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो इंडक्शन है पूरी तरह से जल जाता है, परंतु इसमें एक ये अच्छी चीज़ देखने को मिली है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक अच्छी चीज़ मिली है, इसे मूव कहते हैं दोस्तों। ओवर वोल्टेज से ये प्रोडक्ट करता है, मतलब बचाता है हमारे पूरे सर्किट को, ये सेफ रखता है। ये खुद उड़ जाता है, इनसे जल जाता है, बर्न हो जाता है हीट होने के कारण ओवर वोल्टेज से, और ये हमारे पूरे इंडक्शन को बचा लेता है। परंतु क्या है दोस्तों, इसको निकालने के बाद भी हमारा जो इंडक्शन है उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों, पूरा हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके पास रिपेयरिंग के लिए इंडक्शन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले हम क्या करते हैं मिस्त्री लोग, तो हम क्या करते हैं IGBT को चेक करते हैं। ये सही तरीका है दोस्तों, तो सही तरीके से हम इसको IGBT को चेक करके आपको बताएंगे कि हमारा IGBT या सही है या फिर हमारा IGBT उड़ चुका है, मीन्स ये पूरा शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को ले लेंगे और डायोड नापने वाली रेंज पे हम इसे सेट कर लेंगे। अब क्या है, देखिए प्रॉब को मैंने चेक किया, तो हम क्या करेंगे, अब तीनों लेग को हम एक एक करके चेक करेंगे, और न्यूट्रल को हम ग्राउंड पे रखेंगे, और जो ब्लैक प्रॉब है उसको हम ग्राउंड पे रखते हैं हमेशा, और उससे हम चेक करते हैं। देखिए ये दोनों लीडों के ऊपर, मीन्स जो दोनों लेग है साइड वाले, उन पर ये कुछ रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपका जो IGBT है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका IGBT यदि शॉर्ट होता तो वीप की आवाज़ आती, और क्या होता है दोस्तों कि आपके IGBT शॉर्ट होने पर वीप की आवाज़ मीटर करता और शॉर्टिंग ये में दिखाता। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको पहचानने के लिए कि हमारा लैंप क्यों ग्लो कर रहा है, क्यों शॉर्टिंग बता रहा है, क्योंकि IGBT तो ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी मेन सप्लाई है, और यहाँ पर हमारा एक फ्यूज़ लगा होता है जो कि 10 एम्पियर का फ्यूज़ लगा होता है। कई भाई लोग पूछते हैं कि कितने एम्पियर का फ्यूज होता है, दोस्तों 10 एम्पियर का, 8 से 10 एम्पियर, 12 एम्पियर तक ये फ्यूज होता है, ठीक है। तो ये फ्यूज़ ओके है। तो अब क्या है दोस्तों कि फ्यूज़ के आगे लाइन हमारी गई यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई रो यहाँ। अब ये क्या चीज़ लगी है दोस्तों, नए बंदों को नहीं पता, ये होता है दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर होता है ये चार लेग वाला, इसे ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। और यहाँ पर हमारी दूसरी जो लेग है, यहाँ से देखिए चलेंगे, जो हमारी पॉजिटिव लाइन आएगी ये यहाँ से आती हुई, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आती हुई है ट्रैक आपने पकड़ना है। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है दोस्तों, इन दोनों जो ये दोनों लेग हमारी यहाँ पर आई हुई है रेक्टिफायर की, तो हम इसको कंटिन्यूटी चेक करेंगे ये क्या बताता है, ठीक है। अब यहीं से हमारे पूरा फॉल्ट निकलने वाला है दोस्तों। तो जैसे हम लगाया तो देखिए यहाँ वीप की आवाज़ कर रहा है, और ये हमारे यहाँ पर लैंप ग्लो कर रहा है इसमें मल्टीमीटर का, तो ये क्या है कि शॉर्टिंग बता रहा है। जब बाहर वाली लेग हम चेक करते हैं जिसकी आउटपुट की लेग है, DC कन्वर्ट करके देती है AC को, तो यहाँ पर ये हमारी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। परंतु हमारे जो बीच वाली लेग है उसमें हमें क्या ये दोस्तों, ये शॉर्टिंग बता रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि हमारा या तो IGBT मीन्स या तो हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये शॉर्ट है, परंतु हम शॉर्ट इसे नहीं मान सकते क्योंकि इसकी साइड वाली लेग जो है उसमें ये शॉर्टिंग नहीं बता रहा, सिर्फ बीच वाली लेग में बता रहा है। अब हमें क्या करना है, ये ट्रैक देखना है दोस्तों, क्योंकि उषा का और आपका बजाज का, मैं आपको दोनों चीज़ बताता हूँ। उषा और बजाज के इंडक्शन में इसके लाइन में ही दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ हमारे दो डायोड दिए होते हैं, मीन चार डायोड दिए होते हैं, जिसका नंबर होता है दोस्तों IN4007, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए हम इसे शॉर्टिंग चेक करेंगे इसकी मल्टीमीटर से, तो ये फुली शॉर्ट ये बता रहा है, हमारे डायोड जो है ये फुली शॉर्ट यहाँ पर बता रहे हैं। और ये किस कारण से शॉर्ट हुआ वो मैं भी आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ, और किस कारण से हमारा जो IGBT है वो सेफ रहा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो डायोड है वो दोनों शॉर्ट है, और जो ये साइड वाला डायोड है यहाँ पर सर्किट में ये हमारा सही है, क्योंकि एक साइड रीडिंग बता रहा है एक साइड नहीं बता रहा है। इस साइड हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 450 की रीडिंग दे रहा है, तो बिल्कुल सही कंडीशन में है दोस्तों लगा हुआ, ठीक है। इसके साथ हमारा एक डायोड यहाँ पर दूसरी साइड भी लगा हुआ है, उसे भी हम चेक कर लेंगे ये वाला, तो ये वाला भी हमारा यहाँ पर ये दे रहा है, बिल्कुल ये सही है दोस्तों। हमारे दो ये डायोड खराब है, तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें चेक करेंगे निकाल के, मीन्स इनको हम चेंज करेंगे, यहाँ हम लगाएंगे नए डायोड, ठीक है। और आपने वही डायोड लगाने हैं, 4007 रेंज के डायोड आपने यहाँ पर यूज़ करने हैं। इनको मैं बाहर निकाल के फेंक देता हूँ, और यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ नए वाले डायोड,
ठीक है, फटाफट से मैं इनको लगा देता हूँ। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को तो देख लेते हो परंतु क्या करते हो दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करते हो और ना ही वीडियो को लाइक करते हो, ना ही अपनी प्रॉब्लम को आप हमें कॉमेंट में पूछते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे डायोड है दो, हम दोनों ही डायोड को यहाँ चेंज करेंगे। फटाफट से मैं इन्हें लगा देता हूँ इसमें सर्किट में, और फिर हम चेक करेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, तो मैं इनको लगा देता हूँ। दोस्तों आपने अच्छी तरह से इसका नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है हमेशा। जो हमारी इसमें सिल्वर पत्ती होती है वो नेगेटिव होता है, और जो काले वाली पट्टी होती है वो हमारा पॉजिटिव होता है। इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखें, नहीं तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा और आपका डायोड फिर से शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने इस तरह से काम करना है। अब हम इसको क्या करते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं। और यदि आपको नया डायोड नहीं मिल रहा है कहीं पर, तो आपने क्या करना है, कोई पुराना सर्किट होगा लगा हुआ। हमेशा ये जनरली हमारा ज़्यादातर 4007 ही डायोड यूज होता है, तो आप वहाँ से निकाल कर भी ये डायोड लगा सकते हैं। जो कोई घर पर रिपेयर कर रहा है उन्हें नहीं मिल रहा है, तो कोई पुराने सर्किट चार्जर वगैरह के सर्किट से निकाल लें, घर में चार्जर वगैरह होते पुराने पड़े हुए वहाँ से लगा सकते निकाल सकते हैं, या फिर पावर सप्लाई होती है DDH की वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इनको लगा दिया है अच्छी तरीके से, और अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके आपको दिखाएंगे कि हमारी ये शॉर्टिंग हटी या नहीं हटी है। तो हम क्या करेंगे, इसको लाइन में लगाएंगे। देखिए शॉर्टिंग बिल्कुल हट गई, और वीप की आवाज़ से हमारा ये इंडक्शन भी ऑन हो चुका है, आपने वीप की आवाज़ भी सुनी होगी दोस्तों। अब क्या करते हैं, हम इसको पूरा पैक कर देंगे बॉडी के साथ, अब इसको स्क्रीन पर दिखाते हैं। और दोस्तों इसके उड़ने का कारण यही था दोस्तों कि हमारा नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। पहले हम इसको चेक करा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हमने चेक कर दिया, तो हमारा इंडक्शन ऑन हो चुका है। हम इसको ऑन को बटन दबाएंगे तो हमारा ये चल चुका है। अब दोस्तों क्यों उड़ा था ये, और हमारा IGBT क्यों सेफ हुआ था, वो इसलिए कि इसमें मूव लगा हुआ था। जो मूव मैंने आपको शुरू में दिखाया ना, वो इसमें लगा हुआ था। उसके कारण क्या हुआ, वोल्टेज वहीं जा करके रुक गई, और उसने पिछले वाले डायोड है उसको शॉर्ट करके, दोस्तों क्या हुआ कि उसके IGBT को बचा लिया। ठीक है दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपकी इसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो मैं आगे इसका वीडियो बना करके दे दूंगा, आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक जरूर जरूर कर दें।